सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। खबर चंदौली से। जीआरपी ने चेकिंग के दौरान एक युवक के पास बड़ी संख्या में महंगे एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए। मोबाइल की खेप आरोपी युवक दिल्ली से लेकर बिहार के समस्तीपुर जा रहा था। जीआरपी के अनुसार बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 13 लाख है। जीआरपी ने इस संबंध में आला अधिकारियों को सूचना दे दी है और जाँच में जुट गई है। मोबाइल की यह खेप युवक किस लिए लिए जा रहा था? दरअसल दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। आज सुबह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर नलकूप के पास स्थित शौचालय के समीप एक युवक बैग लिए खड़ा था। उसकी हरकत संदिग्ध दिख रही थी, जिस पर जीआरपी के जवानों ने युवक से पूछताछ की, जिस पर युवक घबराने लगा। जीआरपी जवानों ने जब युवक के बैग की तलाशी ली तो जीआरपी जवान हैरान हो गए। बैग में बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन रखे हुए थे। जब मोबाइल की गिनती की गई तो 65 मोबाइल, 42 और 27 डेटा केबल बरामद की गई। जीआरपी जवानों ने मोबाइल के संबंध में दस्तावेज मांगे तो युवक कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। जीआरपी ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाली ले गई। पूछताछ में युवक ने बताया कि मोबाइल दिल्ली के चोर मार्केट से बिहार के समस्तीपुर ले जा रहा था। हालांकि युवक की बात से जीआरपी सहमत नहीं है। जीआरपी ने उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी है। आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। मोबाइल ले जाने के पीछे क्या मकसद है? वहीं जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि बरामद मोबाइल भिन्न कंपनियों के हैं और कुल 65 मोबाइल बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत 13 लाख रुपये आंकी गई है। बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद हुआ, क्या है? ये एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है जिसके पास से 65 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद हुए हैं जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए है। ये दिल्ली चोर बाज़ार से ले आकर के समस्तीपुर बेचना बता रहा है। अब फिलहाल तो ये चोरी का ही दिख रहा है। अभी आगे ये त्यौहार के अवसर पर इतना क्यों मोबाइल जा रहा था, इस एंगल की जाँच अभी आगे की जाएगी। क्या लगता है सर, त्योहारी सीजन है और समस्तीपुर बिहार, और इससे पहले भी एक दो मामले ऐसे आ चुके हैं, तो कहीं कुछ और? हाँ, पहले भी मोबाइल काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है और इसको भी अब देखा जा रहा है, आगे जांच की जाएगी कि ये चोरी क्या है या अन्य कोई बात है, क्या इस मामले मामले को उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल, सारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, अभी डिटेलिंग और उनको उपलब्ध कराई जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।